वेलकम टू ग्रीन मैथ ऑनलाइन बेसिक कोर्स। आइए देखते हैं हमारे आज के इस लेसन में क्या है। ये जो एक स्क्वायर है ये वाला, इसकी अगर हर साइड 1 सेंटीमीटर की है तो इसको हम 1 स्क्वायर सेंटीमीटर कहेंगे, इसको 1 स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर कहेंगे। अब एरिया का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर एक जैसे रेक्टेंगल है उसका एरिया का क्या मतलब है, उसके अंदर कितनी स्पेस है। और मेजर अगर हमने करनी है तो हम देखेंगे उसमें ये वाले छोटे वाले स्क्वायर सेंटीमीटर कितने फिट होते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, ये एक रेक्टेंगल है जिसकी बेस 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है और जो उसकी हाइट है वो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। लेट्स से यहाँ पे इसके 4 हिस्से बना देते हैं और यहाँ पे एक। अब ये जो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है ये वाला, ये इस डब्बे में फिट आ जाता है एक। तो ऐसे हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम ये कहेंगे कि ये जो बड़े वाला रेक्टेंगल है इसकी स्पेस कितनी है या एरिया कितना है, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, क्योंकि 8 स्क्वायर सेंटीमीटर्स उसमें छोटे वाले फिट हो रहे हैं। और इसका इजी तरीका क्या है एरिया कैलकुलेट करने का, ये जो इसकी बेस है, बेस की लेंथ उसकी हाइट की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 टाइम्स, लेट मी चेंज द कलर, 4 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा, 8। और वैसे इसको अगर यूं लिखें, स्क्वायर सेंटीमीटर, यूं सारा लिखने के बजाय हम क्या लिखते हैं, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरह शॉर्ट करके लिखते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर अगर लेट्स से हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी जिसकी बेस लेंथ 16 है और उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर्स है, बेस उसकी 16 सेंटीमीटर्स है, तो हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, 16 टाइम्स 4 करेंगे, क्या आ जाएगा, 64 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। और आपको अगर पिछले लेसन से याद हो कि इस 16 टाइम्स 4 को आसानी से कैसे कर सकते हैं, अगर आपको 8 टाइम्स 4 पता है कि वो 32 है, और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये 16 8 का क्या है, डबल है, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो 32 का डबल आएगा जो कि 64 बनता है। की पॉइंट इस लेसन का ये है कि जब भी आप रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने लगते हैं तो उसकी बेस लेंथ को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप चलते फिरते ह्यूमन कैलकुलेटर कहलाएं या लोग आपको मैथ जीनियस कहें, तो हम हर लेसन के बाद जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस आपको पीडीएफ फॉर्म में दे रहे हैं, अगला लेसन करने से पहले उनको उनकी प्रैक्टिस करें डेली और इस कोर्स को आखिर तक मुकम्मल करें।